Okay, so next we are going to do about arrays in data structures. So इसमें क्या क्या हम मेनली काम करेंगे एरेज में, किस किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे. वन इज एरे के साथ हम क्या करेंगे, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज इंसर्शन इन द एरे. नो वट डू मीन बाई इंसर्शन इन द एरे. इंसर्शन इन द एरे मीन्स कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक एरे बना पड़ा है. सो आई होप ये तो हमें लेके चलना पड़ेगा कि आपको एरे थोड़ा बहुत पता है कि व्हाट इज एन एरे. सो एरे इज बेसिकली विच इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज बट ऑफ सेम डेटा टाइप. सो मान लो कोई एरे बना पड़ा है एंड दिस एरे मैंने एक मैक्सिमम साइज लेके रखा है. मान लो सपोज जीरो इसका इंडेक्स नंबर है, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन अप टू, मैंने सपोज इसका साइज लेके रखा है 50. सो मैंने इसका 49, आई एम टेकिंग इट एज द साइज इज 50. नाउ व्हाट इज इंसर्शन इज, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट पहले इंसर्ट पहले से करके रखे हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ये एलिमेंट्स पहले से पड़े हुए हैं और जो मर्जी हो सकते हैं. अब इंसर्शन इन द एरे मीन्स कि आपको किसी ने कहा कि भाई अब ये जो 30 है इसकी जगह पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, मतलब इस लोकेशन पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 25, इसकी जगह पे नहीं, मतलब जहाँ पे ये 30 है वो जो लोकेशन है उस लोकेशन पे हमने एक नया एलिमेंट एंटर करना है 25, बट 30 को ओवरराइट नहीं होने देना है. अगर नॉर्मली आप ऐसा लिखेंगे, मान लो इस एरे का नाम है ARR, तो आप लिखेंगे ARR लोकेशन आपके पास 2 है इज इक्वल टू, आप डाल देंगे 25, तो इसे दिक्कत क्या आएगी कि भाई जो 25 आप रखेंगे तो 30 वहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा और वहाँ पे 25 आ जाएगा. तो इसका तरीका क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये जो 50 है ये यहाँ पे आ जाए, ये जो 40 है यहाँ पे आ जाए, ये जो 30 है यहाँ पे आ जाए, है ना, और वो आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25. कैसे, 50 यहाँ पे आ जाएगा, 40 यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25. सो नाउ वी हैव टू शिफ्ट दोज एलिमेंट्स. सो हाउ वी कैन शिफ्ट, सो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले अगर हम लेके चलें, तो मुझे एक, अगर मैं स्टार्टिंग से ही चलूँ तो एक वो लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स वगैरह, वो सारी लिखनी पड़ेगी. तो चलो एक प्रोग्राम हम ये लिख लेते हैं, जैसे सपोज हम हैश इंक्लूड iostream.h और जो कोनियो लगानी है दैट इज योर विश, क्योंकि उसमें जो गेट सी एच आप लगाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हम क्या करेंगे, विल राइट मेन फंक्शन और इस मेन फंक्शन के अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए एरे. तो एक मैंने लिया इंट, कोई भी नाम ले सकते हैं, ARR, ठीक है, ARR, और यहाँ पे हमने ले लिया इस एरे का साइज, मान लो 50 ले लिया, तो कितने बॉक्सेस बन जाएंगे, 50 बॉक्सेस बन जाएंगे. उसके बाद एक वेरिएबल चाहिए मुझे, जैसे मान लो n, ये n में वेरिएबल ले रहा हूँ क्योंकि यूजर से पूछूंगा कि आप उसमें इस वक्त कितने एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हैं. दूसरा इसमें लेंगे हम एक लूप लगाने के लिए i भी चाहिए मुझे, एक चाहिए मुझे लोकेशन चाहिए, एक चाहिए मुझे आइटम, जो मैंने आइटम एंटर करवानी है, जो जैसे 25 है तो एक तरह की आइटम है. व्हाट आई विल डू इज, अब सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन द एरे, कि एरे में आप कितने एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हैं. सो वो बोलेगा, जैसे मान लो सबसे पहले हम लेके चलें तो सी आउट, अगर ये सी होती तो प्रिंट एफ आता, सी आउट आप यहाँ पर लिखेंगे एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर, ठीक है. सो एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर, कि कितने एलिमेंट आप वांट उसमें स्टोर करना चाहते हैं. तो आप लेंगे सी इन और सी इन में के ले लेंगे एन. एन क्यों, क्योंकि एन आपने वहाँ पे डाल दिया. अब क्या करोगे, फॉर लूप चलाओगे, फॉर आई कहाँ से चलेगा, जीरो से, आई लेस देन एन इक्वल टू एन नहीं, क्योंकि एन का मतलब अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये मेरा है एन, एन उसने एंटर किया मान लो 5 एलिमेंट्स, तो 1, 2, 3, 4, 5 पर इंडेक्स नंबर देखें तो वो 4 तक है. तो अगर मैं यहाँ लिख दूंगा इक्वल टू तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, जीरो से. तो क्या करेगा, अगर एन में 5 एंटर किया मान लो उसने, सो एन कहाँ तक चलेगा, 5 तक. तो अगर मैं यहाँ लगा दूंगा इक्वल टू
तो फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स तो कहीं है ही नहीं, मतलब अगर है भी है तो भी तो वो मैं चाहता था 5 एलिमेंट्स डालना, वो 6 डाल देगा, इस करके मुझे एक कम रखना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लगा दिया मैंने अंदर ही सी इन, और सी इन में क्या लिख दिया, ए आर आर ऑफ आई। इससे क्या हुआ, वो लूप चलेगी, आपको पता है जैसे आई इक्वल टू जीरो लेस देन एन नीचे है, जो भी एलिमेंट एंटर करोगे वो स्टोर, जैसे इस तरह से हमने ये एलिमेंट स्टोर कर दिए। अब अगला काम, स्टोर तो हो गया, अब अगला काम बोलेगा कि भाई कौन सा एक आइटम आप डालना चाहते हो, तो वो उसको पूछेंगे, उसको यूज़र को, सी आउट एंटर द आइटम यू वांट टू इंसर्ट, कि आप वो आइटम डालें जो आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर आप करेंगे सी इन, सी इन में क्या डाल देंगे आइटम, और फिर क्या करेंगे, सी आउट आइटम तो बता दी कौन सा डालनी है, अब क्या बताना है, लोकेशन, बोलेंगे एंटर द लोकेशन वेयर यू वांट टू एंटर। फिर क्या लिखोगे, सी इन, इसमें क्या जाएगा, लोकेशन। उसके बाद ये भी हो गया, तो लोकेशन भी आ गई, आइटम भी आ गई, सब आ गया। अब अगला काम है कि मैंने जो उसने लोकेशन बताई है, मान लो हम मान के चल रहे हैं वी आर टेकिंग दैट आइटम इज मान लो 25 और लोकेशन मान लो उसने बता दी 2, 25 आपका यहाँ कहीं आना चाहिए हियर, पर यहाँ तो यहाँ पड़ा हुआ 30, तो अगर मैं डायरेक्ट ये लाइन लिख दूंगा ये वाली, तो क्या करेगा, 30 को ओवरराइड करेगा और 25 आ जाएगा। तो वी हैव टू शिफ्ट इट, शिफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लूप लगा ली, इसी के बाद नीचे लिख रहा हूँ फॉर फॉर, अब हम चाहते हैं कि फॉर, तो फॉर यहाँ पे ले लेंगे हम आई, और आई जो है आई की हम लेंगे आई इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन ये है कि हम हाउ वी कैन शिफ्ट दैट, तो 50 यहाँ आना चाहिए, मान लो इसका इंडेक्स नंबर है 5, 50 यहाँ आना चाहिए, 40 यहाँ आना चाहिए, 30 यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। सो मुझे चलना पड़ेगा मुझे लगता है यहाँ से, तो ये है बेसिकली कहीं ना कहीं n। तो मैंने किया i इज इक्वल टू, मैंने स्टार्ट किया n माइनस 1 से, ऐसा क्यों, क्योंकि n में पड़ा है 5, तो 5 माइनस 1 4, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से 4 से, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो ये लिखा, फिर लिखा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोकेशन, ठीक, आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू लोकेशन, और यहाँ लिख लिया मैंने आई माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या किया मैंने, अब मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे यहाँ रखनी है, तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा ए आर आर ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। अब आप देखें i में क्या चला गया, i एक वेरिएबल है n माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो i में चला गया 4 चला गया, तो यहाँ पे चेक कर रहा है 4 इज ग्रेटर देन लोकेशन, लोकेशन में कितना पड़ा है 2, तो क्या 4 जो है 2 से बड़ा है, तो अंदर आ जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा ए आर ऑफ i, ए आर ऑफ i मतलब ए आर ऑफ 4, ए आर ऑफ 4 पे कितना पड़ा है 50, उसको कहाँ रख दे, ए आर ऑफ 4 प्लस 1 दैट इज 5, पर ये मत समझना कि आई में प्लस हो गया, क्योंकि आई में प्लस नहीं हुआ, बस वो सिर्फ यूज़ कर रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ आई में। तो उसने किया 50 उठाया और 50 यहाँ रख दिया, तो ये मत समझना कि 50 यहाँ से डिलीट हो गया, 50 यहाँ भी है और 50 यहाँ भी है, ठीक है। अब अगली बार क्या हुआ, आई माइनस माइनस किया, जैसे आई माइनस माइनस किया जहाँ 4 था, अब वहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, इट हैज़ बिकम 3। अब ऊपर गया 3 इज ग्रेटर देन 2, नीचे आया ए आर ऑफ 3 पे कितना पड़ा है 40, वो कहाँ चला जाएगा, आई प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, 50 की जगह वो चलेगा, 50 हो गया ओवर राइट, यहाँ पे आ गया 40। फिर ऊपर गया आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू 3 थी, माइनस माइनस करके होगी 2,
आई बिकेम टू. सो नेक्स्ट यहाँ पे गया, अब टू है तो टू इज ग्रेटर देन टू, नहीं, बट टू इज इक्वल टू टू. ट्रू है, नीचे आया, टू की वैल्यू उठाई थ्री में डाल दी, तो टू पे क्या पड़ा 30, वो कहाँ डाल दिया. फिर आई माइनस माइनस किया, आई की वैल्यू जहाँ टू थी कितनी होगी 1, अब आई इज 1. अब आई जो 1 है, अब 1 तो कह रहा है 1 इज ग्रेटर देन टू, 1 इज ग्रेटर देन टू, नहीं ना, 1 2 से बड़ा नहीं है, ना ही 1 2 के बराबर है, तो इस लूप से तो हो गया फॉल्स. अब क्या, लूप से जैसे ही बाहर आया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए आर आर ऑफ, मैंने लिख दिया जैसे लूप से बाहर आया, मैंने यहाँ लिख दिया ए आर आर ऑफ लोकेशन इज इक्वल टू आइटम. तो अब आइटम में कितना पड़ा है, वो कहाँ चला गया, ए आर आर ऑफ लोकेशन में कितना पड़ा है 2, तो ए आर आर ऑफ 2 पे कितना चला गया 25, 25 कहाँ आ गया 30 की तरफ, तो इंसर्ट हो गया और ये आपका काम हो गया. पर अब दिक्कत ये है कि कल को इसके बाद जब आप इसको डिस्प्ले करोगे, जैसे मान लो डिस्प्ले करने के लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं बाद में एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, तो जैसे मैं डिस्प्ले करूँगा यहाँ लिखूंगा फॉर I इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन, तक ही चलता ना हमेशा, क्योंकि एक कम होता है आई प्लस प्लस. और इसको डिस्प्ले क्या कर दिया मैंने, सी आउट ए आर आर ऑफ आई, और थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा स्पीच में स्पेस दे दिया और सेमी कॉलन. अब ये डिस्प्ले कैसे होगा, ये डिस्प्ले होगा, सबसे पहले होगा डिस्प्ले, अगर मैं ऐसे रखूँ तो मेरी एन की वैल्यू कितनी है, तो ये चलेगा कैसे, ये सबसे पहले करेगा आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन, मतलब 0 less than 5, 2 है नीचे आएगा तो पहले डिस्प्ले करेगा 10 को, फिर थोड़ा स्पेस देगा अगली बार 20 को करेगा, फिर 30 करेगा, फिर 40 करेगा, ठीक है ना. तो 10 20 30 40 सॉरी क्या करेगा 10 20 अगली बार क्या 25 है, 25 करेगा, फिर 30 करेगा. अब इस वक्त कितने हो चुके हैं 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 तक हो चुका है, और 4 पे पड़ा है 40, आई की वैल्यू प्लस प्लस की तो कितनी होगी 4 होगी, तो 4 पे जो पड़ा है 40 वो दिखा दिया. अब अगली बार आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5, जब आई की वैल्यू 5 होगी यहाँ पे लिखा आई लेस देन एन, तो कह रहा है 5 इज लेस देन 5, ये तो गलत हो गया, तो डिस्प्ले तो मेरा 10 20 25 30 40 डिस्प्ले होगा, जबकि वहाँ पर 50 भी है, इसका मतलब हमारा तो एक साइज इंक्रीज भी तो हुआ है. तो हमने यहाँ पे क्या करना था, ये लूप जैसे ख़त्म हुई, ये लोकेशन डालने के बाद यहाँ लिखना था आपने n इज इक्वल टू n प्लस 1. ये n इज इक्वल टू n प्लस 1 क्या करेगा, इस साइज को उसने इंक्रीज कर दिया, तो n अब n जो है वो इंक्रीज हो गया, तो अब जब चलेगा तो साथ में आपका लास्ट में जो 50 बचा था वो भी आ जाएगा. सो दिस इज योर इंसर्शन इन दी एरे. इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्लियर है.